नमस्कार जी हाँ किसान भाई, हम राजस्थान मौसम के बारे में बात करेंगे। जयपुर संभाग में अजमेर संभाग के इन जिलों में कैसी रहने वाली बारिश। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश का दौर यानी 22 से 23 अगस्त के समय जयपुर भरतपुर संभाग के जिलों में जयपुर झुंझुनू अलवर सीकर दौसा भरतपुर धौलपुर करौली में ज़्यादातर जोरदार मूसलाधार बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं तो दोनों संभागों के जिलों में तहसीलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश तो कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम की माने तो 22 में 23 अगस्त के समय टोटल बारिश से यहां पर 70 से 140 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना, कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश होने की संभावना। जबकि हम बात करें अजमेर संभाग के, तो अजमेर के पूर्वी भागों सहित नागौर के पूर्वी भाग पश्चिमी में नागौर के कुचेरा जायल खींसर तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। जबकि पूर्वी भीलवाड़ा जहाजपुरा वैसापुरा मांडल बिजोलिया तक मूसलाधार झड़ी लगने की संभावना। इन क्षेत्रों में टोंक के सभी क्षेत्रों में यहाँ पर ज़्यादातर मध्यम दर्जे की तेज बारिश तो कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तो कई एक क्षेत्रों में भारी बारिश की मध्यम रह सकती है। यहाँ पर टोटल बारिश 40 से 90 मिलीमीटर तक मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है, जो कि 22 से 23 अगस्त के समय है। हम बात करें उदयपुर संभाग के, तो उदयपुर संभाग में पश्चिमी में दक्षिणी हवाओं के गतिविधियों के हल्की से मध्यम से लेकर मूसलाधार झाड़ी लगने की संभावना, तो कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। जबकि चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में जोरदार बारिश तो कुछ एक मूसलाधार बारिश लेकर इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 22 से 23 अगस्त के समय डूंगरपुर बांसवाड़ा में जोरदार बारिश देखने को मिलेगी और कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश लगने की संभावना है। और 22 से 23 अगस्त के समय टोटल 50 से 120 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। जबकि कोटा संभाग की बात करें, तो यहाँ पर कोटा संभाग में अगले मूसलाधार बारिश होने की संभावना, जिसमें से 60 से 130 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। जबकि बूंदी बारा झालावाड़ में जोरदार बारिश से होगी, जो कि 22 से 23 अगस्त के समय कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 50 से 20 120 मिलीमीटर तक बारिश का रिकॉर्ड होने की संभावना है। जल्दी कोई नया सिस्टम आएगा बंगाल की खाड़ी में, 26 से 28 अगस्त की जानकारी आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेगी। जबकि हम बात करें जालौर की, तो यहाँ पर पूर्वी या दक्षिणी जालौर में झमाझम बारिश की संभावना रहेगी, जो कि 18 से मौसम की माने तो 22 से 23 अगस्त के समय यहाँ पर आहोर तक गढ़ सायला रानीवाड़ा जसवंतपुरा माल यहाँ पर मालवापुड़ा सुधा माता भीनमाल जालौर में मध्यम से यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना, कुछ एक मूसलाधार झड़ी लगने की संभावना, जो कि 22 से 23 24 अगस्त के समय है यहाँ पर 30 से 60 प्रति यहाँ पर मिलीमीटर बारिश होने की संभावना। तो वहीं पश्चिमी रामीसन सांचौर दक्षिणी सांचौर छोटी विरोली बड़ी विरोल वे पांचला वितला सहित आसपास इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना, एकाधिका स्थानों पर मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना। ये गतिविधियाँ यानी यहाँ पर 22 से 27 अगस्त के समय रुक रुक कर देखने को मिल सकती है। यहाँ टोटल बारिश यहाँ पर 20 से 50 मिलीमीटर होने की संभावना है।